इस वीडियो में शिवा आस्था दी से उनके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के बारे में बात करेगा। पहले वो हिंदी में पूछेगा जिसे आस्था हिंदी में रिप्लाई करेगी, फिर वो हिंदी में पूछेगा जिसे आस्था इंग्लिश में रिप्लाई करेगी। तो आस्था दी, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत ही अच्छी चल रही है। फ़िलहाल मैं पूरी मेहनत से जी जान लगाकर पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले टाइम से काफ़ी पढ़ नहीं पाई। अब मैं अपना सिलेबस कवर कर रही हूँ, सो मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अच्छा, तो आपको मालूम है कि पेपर कितने आवर्स का होता है और पहले क्या सॉल्व करना है, तो आपकी क्या क्या स्ट्रेटजीज वगैरह हैं उसके ऊपर? हमारा बोर्ड एग्ज़ाम 3 आवर्स का होता है। सबसे पहले तो हमको कुछ सॉल्व नहीं करना, सबसे पहले तो हमको अपना क्वेश्चन पेपर रीड करना है। उसके लिए हमको 15 मिनट दिए जाते हैं। जब हमारा क्वेश्चन पेपर रीड हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपके तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले होते होंगे, तो वह कब है? यस ऑफ कोर्स, हमारे प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम से पहले होते हैं। अभी मेरी एक बार प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं, अब सेकेंड टाइम प्रैक्टिकल वाइवा दोनों चल रहे हैं। इसमें प्रैक्टिकल्स फाइल जमा करना है जी। तो आपके स्कूल में एडमिट कार्ड कब से प्रोवाइड होंगे? एडमिट कार्ड तो प्रोवाइड नहीं किएंगे फ़िलहाल इस समय, कुछ समय बाद हमारे स्कूल एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। तो आप साइंस के लिए कौन सा गैस पेपर यूज़ करते हो? साइंस के लिए हम लोग अपने सैम्पल पेपर यूज़ करते, जिससे हमें काफ़ी हेल्प और एग्ज़ाम के लिए मिल जाती है। डेली आप कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देते हो? फ़िलहाल मैं साइंस में मैं काफ़ी वीक हूँ, इसलिए मैं अपना पूरा फोकस साइंस और मैथ पर दे रही हूँ। मैं डेली सभी सब्जेक्ट को फोकस करती हूँ। फ़िलहाल मेरी साइंस और मैथ थोड़ी वीक है, इसलिए मैं तो साइंस और मैथ्स को ज़्यादा टाइम देती हूँ, पर डेली मैं 2 आवर्स बाकी सभी सब्जेक्ट पर भी देती हूँ। तो आप सुबह कितने बजे उठते हो? मैं मॉर्निंग में 6 AM पर उठती हूँ। मैं सुबह उठकर साइंस सबसे पहले पढ़ती हूँ। क्या तुमने अभी तक किसी से एडवाइस वगैरह ली है कि पेपर को कैसे सॉल्व करें, जो अभी तक हाई स्कूल पास आउट हैं? मैंने एडवाइस अपने ब्रदर्स से लिए, उन्होंने मुझे काफ़ी एडवाइस दी एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने के लिए। टीचर्स ने आपको किस तरीके से गाइड किया है कि पेपर को किस तरीके से सॉल्व करें? टीचर्स ने मुझे एग्ज़ाम के लिए फ़िलहाल में बहुत सारी एडवाइस दी हैं। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड अगर आपको सॉल्यूशन पता है, तो आप अपना सॉल्यूशन उसी समय लिखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर मार्क्स होते हैं, जो आपको कुछ मार्क्स उससे मिल जाएंगे। क्वेश्चन को छोड़ना सही नहीं है, साथ ही हेडिंग और डिफरेंट पेंसिल लिख देना। तो यहाँ पर आस्था दी ने सभी आंसर्स को हिंदी में रिप्लाई किया था, अब वो सभी आंसर्स को इंग्लिश में रिप्लाई करेगी। तो आस्था दी, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? इट इज़ गोइंग वेरी वेल एट द मोमेंट। आई एम स्टडिंग हार्ड विथ फुल एफर्ट, बिकॉज एट इनिशियल आई कुड नॉट स्टडीज मच। नाउ आई एम कवरिंग माई सिलेबस, सो माई स्टडीज आर गोइंग वेल। अच्छा, तो आपको मालूम है कि पेपर कितने आवर्स का होता है और पहले क्या सॉल्व करना है, तो आपकी क्या क्या स्ट्रेटजीज वगैरह हैं उसके ऊपर? आवर बोर्ड एग्ज़ाम इज़ ऑफ 3 आवर्स। नाउ अबाउट स्ट्रेटजी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट हैव टू स्टार्ट राइटिंग आंसर एट फर्स्ट वी हैव टू गो थ्रू आवर क्वेश्चन पेपर। वी आर गिवन 15 मिनट्स फॉर डैट, सो वेन वी फिनिश रीडिंग अवर क्वेश्चन पेपर, After that, we will start solving the question paper. आपके तो practical exam से पहले होते होंगे, तो वह कब है? Yes, of course. Practicals are before our exam. I already have practicals once. Now, this time, second practical viva are running. Now, we have to submit practicals file in it. जी, तो आपके स्कूल में admit card कब से provide होंगे? Admit cards have not been provided yet at this time. After some time, our school admit card will be given. तो आप साइंस के लिए कौन सा गैस पेपर यूज करते हो? We use our sample papers for science, which gives us lot of help for our exams. Daily आप कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देते हो? At present, I am very weak in science, so I am giving all my focus on science and math. I focus on all the subject daily. My science and math is a bit weak right now. That's why I'm giving more time to science and math, but I also spend 2 hours daily on all other subjects. तो आप सुबह कितने बजे उठते हो? I wake up at 6 in the morning
आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड स्टडी साइंस फर्स्ट। क्या तुमने अभी तक किसी से एडवाइस वगैरह ली है कि पेपर को कैसे सॉल्व करें जो अभी तक हाई स्कूल पास आउट हैं? आई टुक एडवाइस फ्रॉम माई ब्रदर्स, दे हैव गिवन मी लॉट ऑफ एडवाइस। टीचर्स ने आपको किस तरीके से गाइड किया है कि पेपर को किस तरीके से सॉल्व करें? टीचर्स हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ एडवाइस फॉर एग्जाम्स। इफ यू नो द सॉल्यूशन रिलेटेड टू द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, देन यू हैव टू राइट इट्स सॉल्यूशन एट द सेम टाइम। However, if you do not know answer of any question, then at the moment, if you know anything related to it, then you write it down, which help you to score marks. But if you leave and come, then it will be your biggest mistake, because there are marks in every question. You will get some marks from it. It is not right to leave the question. So if we come up with anything related to that topic, then we have to write and make good handwriting. Also write heading with a different pen. Why not ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें। इसमें आपको बहुत से अच्छे लेसन्स और टॉपिक्स मिलेंगे जिनसे आपको तैयारी करने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी।